मैरिज और रिलेशनशिप में हैप्पीनेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपके अपने पार्टनर के साथ हमेशा लड़ाई झगड़े या फिर आर्गुमेंट्स होते हैं तो इसका सीधा इफेक्ट आपकी हेल्थ पे और आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे पड़ता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी सिंपल वास्तु टिप्स जो आपकी रिलेशनशिप इम्प्रूव करेंगे। मैं सुविज्ञेंदु सुत आप सभी का स्वागत करता हूँ अपनी इस नई वीडियो में। तो आइए आपको ज़्यादा वेट ना करवाते हुए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएं। आपके घर में जो वास्तु दोष होते हैं वो आपकी मैरिड लाइफ में या फिर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और इसी वजह से जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, नेगेटिविटी रहती है, छोटी छोटी बातों पे आर्गुमेंट्स होते हैं, उस घर में कभी भी तरक्की नहीं आती है, यानी कि वहाँ पे कोई भी प्रॉस्पेरिटी नहीं आती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे ही वास्तु दोष और उनको आप कैसे करेक्ट कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे आने वाली ऐसी और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इसी के साथ बेल आइकन को दबाएं। आपके घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन मैरिटल हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आपके घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हमेशा अंधेरा रहता है या फिर आपके घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के कंपेरिजन में हल्की है, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपके घर की सबसे हैवीएस्ट डायरेक्शन होनी चाहिए, तो अगर वो नॉर्थ ईस्ट के कंपैरिजन में हल्की है या फिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपके टॉयलेट है, तो ये ही कुछ सिंपल ऐसे दोष होते हैं, ये कुछ ऐसे वास्तु दोष होते हैं जो आपके घर में कंटिन्यूस नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। हाउस ओनर यानी कि घर के मालिक का जो मास्टर बेडरूम है वो हमेशा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ही होना चाहिए। इसी के साथ जैसा कि मैंने बताया साउथ वेस्ट डायरेक्शन मैरिटल हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करती है और साउथ वेस्ट डायरेक्शन का जो नंबर है वो 2 है, तो ऐसे में अगर आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हस्बैंड वाइफ की पेयर पिक्चर लगाते हैं तो ये एक बहुत ही बढ़िया रेमेडी है, यानी कि बहुत ही बढ़िया वास्तु टिप है जो आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उन्हें ख़त्म कर देती है। जैसा कि मैंने बताया कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जो टॉयलेट है वो सबसे बड़ा वास्तु दोष है, और अगर आपके घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जो कि घर के मालिक की डायरेक्शन है और वहाँ पर टॉयलेट है तो ऐसे में हमेशा हस्बैंड की हेल्थ में प्रॉब्लम्स आती हैं, हस्बैंड वाइफ में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम होती हैं। तो इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन तो ये है कि आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जो टॉयलेट हैं उसे हटवा दें या फिर आप उसे बिल्कुल ही कम इस्तेमाल करें, और अगर आप उसे वहाँ से नहीं हटा सकते हैं तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जो टॉयलेट है उसकी वॉल पे तांबे का तार लगा दे चारों तरफ, जिसका जोड़ एक पॉइंट पे आके जुड़ जाए। ऐसे में ये जो सिंपल वास्तु टिप है ये आपके जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट है उसे कुछ हद तक कम कर देती है। तो आप अगर ये वास्तु टिप करेंगे तो आपको भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर हस्बैंड वाइफ का जो रूम है यानी कि मास्टर बेडरूम जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है तो आप उसे तुरंत ही चेंज करें। आप अपने मोबाइल में भी कंपास डाउनलोड करके देख सकते हैं, अगर आपका मास्टर बेडरूम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है तो उसे तुरंत ही चेंज कर दे, इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। इसी के साथ आपके अगर बेडरूम में कोई भी वॉर पिक्चर है या फिर कोई भी एनिमल की फ़ोटो है तो उसे भी तुरंत ही वहाँ से हटा दें। ये सिर्फ सिंपल ही कुछ चीज़ें करने से आपको अपने रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात जो वास्तु भी कहती है कि जिस घर में हमेशा बैड स्मेल आती है या फिर आप जो किचन में मसालों का इस्तेमाल करते हैं उसकी स्मेल आपके घर में आती है तो वो किसी भी डायरेक्शन में हो वो हमेशा नेगेटिव एनर्जीज ही क्रिएट करते हैं। इसलिए अगर ये वास्तु दोष आपके घर में है तो ऐसे में आपकी मैरिड लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स आती हैं,
तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपके घर में हमेशा अच्छी खुशबू आनी चाहिए, चाहे आप रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करें या फिर अगरबत्ती का इस्तेमाल करें, यही अपने आप में सबसे अच्छी वास्तु टिप है। तो ये थी कुछ सिंपल और सबसे अच्छी वास्तु टिप जो आपकी मैरिड लाइफ के लिए या फिर आपके रिलेशनशिप के लिए मैंने बताई है। अगर आप इन वास्तु टिप्स को करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, इसी के साथ शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मैं आपसे फिर मिलूँगा किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।